वेलकम बैक गाइस, मैं तुषार मुंडकर आप सभी का स्वागत करता हूँ कैच 25 साइंस एकेडमी के MHCET सीरीज़ में। हम रोटेशनल डायनामिक्स कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और 10th पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड उसके कंजर्वेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेसिफिक थिंग, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंट और सॉरी External torque can be given as dl by dt, that is rate of change of angular momentum can be stated as torque. अभी अगर मान के चलो कि this particular torque is our external torque and if a system is already in rotation, मतलब वो already गोल गोल घूम रहा है, और ऐसे सिनारियों में समझो हम लोग बाहर से एक्सटर्नल टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे, सो इट्स लाइक एक फॉर एग्जांपल इमेजिन अ बेबलेट स्पिनिंग, और जो भवरा होता है ना वो भवरा गोल 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 रोटेट हो रहा है। आपने एक बार उसको रोटेट करना छोड़ दिया, इनिशियल रोटेशन के लिए आप टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हो, बट एक बार जब वो रोटेशन में है तब जाके आप बीच में फिर उसे घुमा नहीं रहे हो, दैट मीन्स यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल टॉर्क इन द सिस्टम। इफ सच इज द सिनारियो देन दिस टॉर्क विल बिकम इक्वल्स टू जीरो, एंड इफ इट बिकम्स इक्वल्स टू जीरो देन जीरो डी एल बाई डी टी होगा, डी टी वो साइड जाके वी विल गेट डी एल इक्वल्स टू जीरो डी टी। वी कैन यूज इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी एल, एंड अगर कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव जीरो होता है तो जीरो का इंटीग्रेशन होगा कॉन्स्टेंट। That means angular momentum is always conserved. And if angular momentum is conserved, we can say angular momentum at point 1 will be equals to angular momentum at point 2. What is the formula of angular momentum though? So it is equivalent to I omega. Hence you can write I1 omega 1 equals to I2 omega 2. Or in another words, you could write that I is inversely proportional to omega. सो अगर आपके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस करते हो तो बॉडी का एंगुलर स्पीड अपने आप बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। ओके, दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय सेवरल एथलीट्स जो स्विमिंग करते हैं ना, वो स्विमिंग में ओलंपिक में गेम होता है वेयर दे एक्चुअली डाइव फ्रॉम अ सर्टन हाइट एंड बिफोर डाइविंग दे रोल देयर बॉडी। तो जब वो बॉडी को क्लोजर लाते हैं तो उनके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ दैट उनका बॉडी एक हाई एंगुलर स्पीड के साथ स्पिन होता है। सेम टेक्निक इज यूज्ड बाय बैले डांसर। बैले डांसर क्या करते हैं, जब अपने हाथों को वो फैलाते हैं तो उनके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है एंड दैट्स वाई वो स्लो रोटेट करते हैं। देन आफ्टर सम टाइम दे क्लोज देयर आर्म्स टूगेदर, बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस एंड ओमेगा इंक्रीजेस। सो वो सिर्फ हाथों के मोशन से या फिर हाथों के मूवमेंट से आई कंट्रोल करते हैं, एंड एक बार आई कंट्रोल हुआ ओमेगा उसके रिवर्स में बिहेव करेगा। नाउ इजंट दिस वंडरफुल, और इसी वंडरफुल फिनोमिनॉन के ऊपर अभी हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं। द फर्स्ट दैट वी आर गोना सॉल्व इज रिलेटेड टू अ ग्रामोफोन। सो अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड, एक्सट्रीमली सॉरी, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड of mass m and radius r is rotating with angular speed omega. So imagine it this way, initially we have a gramophone record is like a disc, okay? तो वो disc rotate हो रहा है और उस particular disc का जो moment of inertia है, that moment of inertia is actually given as I, है ना? और वो rotate कितने velocity से हो रहा है? Omega velocity से. So ये note down कर लिया हम लोगों ने। सिंस इट इज़ अ डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई टू। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड। अगर मैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो एल वन हो जाएगा आई वन इंटू ओमेगा वन, विच इज एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा। नाउ वॉट वी आर गोना डू, इफ टू पीसेस ऑफ वैक्स ईच ऑफ मास एम आर केप्ट एट अ डिस्टेंस आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑन द अपोजिट साइड। तो मैं सेम सिस्टम कंसिडर करने वाला हूँ, बट दिस टाइम व्हाट आई एम गोना डू इज दैट मैं इस पर्टिकुलर सिस्टम के दोनों साइड, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वैक्स के बॉल्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, एंड दैट टू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू एंड आर बाई टू। सो नाउ जब मैं इनको इंट्रोड्यूस करने का काम करता हूँ तो मेरा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो जाता है। सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से आई टू,
विल बी ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो होगा ही क्योंकि वो डिस्क वैसे भी घूम रहा है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ही। प्लस देखो एक एम है और ये डिस्टेंस हो गया, करेक्ट, सो इट विल बी एम इन टू आर बाई टू द होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला मास इन टू दूसरा वाला डिस्टेंस। सो दिस इज हाउ यू गेट आई टू इक्वल्स टू आई वन, पुट करें आई वन क्या था एम आर स्क्वायर बाई टू, प्लस ये स्मॉल है तो टू एम टाइम्स आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये हो गया आपका आई टू। और इसका जो रोटेशन होगा वो कितने स्पीड के साथ होगा वो पूछ रहे हैं, लेट्स कॉल दिस एज ओमेगा टू। तो मेरा एल टू कितना हो गया डियर, मेरा एल टू हो जाएगा आई टू, मतलब ये जो ब्रैकेट में है वो, इन टू ओमेगा टू। नाउ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वाई कैन आई यूज दैट प्रिंसिपल, बिकॉज ध्यान से सुन, देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व। एक बार डिस्क रोटेशन में चला गया तो वो कंटिन्यूसली रोटेट होता रहेगा, एंड दैट इज वाई यू कैन इक्वेट एल वन एंड एल टू। वंस यू इक्वेट दिस टू थिंग यू विल गेट एन इक्वेशन विच विल लुक लाइक दिस, सो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू एम आर स्क्वायर बाय टू ओमेगा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाय टू प्लस टू टाइम्स एम इंटू आर स्क्वायर बाय फोर इंटू ओमेगा डैश। सो एज यू कैन सी ओवर हियर आई कैन टेक आर स्क्वायर कॉमन एंड कैंसल इट आउट, ऑल्सो आई कैन टेक टू कॉमन एंड कैंसल इट आउट, बराबर ये टू भी कट हो जाएगा। सो द ओनली टर्म्स दैट आई एम रिमेंड विथ इज एम ओमेगा इक्वल्स टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ओमेगा डैश। सो यू कैन ईजिली कैलकुलेट ओमेगा डैश एज एम अपॉन एम प्लस एम टाइम्स स्मॉल ओमेगा विच इज नथिंग बट ऑप्शन बी। सो वी आर डन विथ दिस सम, एक मिनट हाँ, ऊपर कैपिटल एम आया है ना, यस एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज ऑप्शन सी देन। सो वी आर डन विथ दिस पर्टिकुलर सम, वी सॉल्व इट यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे हैव गिवन अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन विथ एंगुलर मोमेंटम एल इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज हाल्फ। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हाफ कर रहे हैं, सो दैट मीन्स एन टू इज इक्वल्स टू एन वन डिवाइडेड बाय टू। वी डोंट नीड टू कन्वर्ट आरपीएम आरपीएस एक्सेट्रा, वी कैन यूज इट लेटर ऑन। नाउ वॉट इज दे आर सेइंग कि इफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज हाल्फ एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, सी वॉट एवर रिलेशन वी हैव ऑफ एन एग्जैक्ट सेम रिलेशन विल बी फॉलोड बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा टू पाई एन होता है, दैट मीन्स ओमेगा इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एन, सो वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट ओमेगा टू विल बी इक्वल्स टू ओमेगा वन बाय टू। ये एक तो चीज समझ गई आपको, और क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, सो दैट मीन्स ई टू इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ई वन। दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, सो इनडायरेक्टली आई नीड अ फॉर्मूला दैट डील्स विथ काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट आई एम गोना टीच यू राइट नाउ। देखो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट, सो फ्रॉम ओवर हियर यू कैन डू वन इंटरेस्टिंग थिंग एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस, यू कैन राइट हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा इक्वल्स टू ई, एंड यू कैन देन टेक और राइट दिस आई ओमेगा एज एल, सो यू विल गेट ई इक्वल्स टू हाफ एल ओमेगा, करेक्ट। नाउ वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एल, बिकॉज वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एल, करेक्ट, सो आई एम गोना कीप एल एट वन साइड एंड टर्न ऑल अदर थिंग्स टू द अदर, सो एल विल बिकम टू ई अपॉन ओमेगा। एज यू कैन सी टू इज अ कॉन्स्टेंट एंटिटी, सो वी कैन कंक्लूड दैट एल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ई एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू ओमेगा, एंड दैट इज वाई आई कैन राइट इट लाइक दिस एल वन बाई एल टू इक्वल्स टू ई वन बाई ई टू, क्योंकि ई से डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू था, ओमेगा से इनवर्सली था, तो ओमेगा टू बाई ओमेगा वन। नाउ वी आर गोइंग टू पुट ओमेगा टू एज ओमेगा वन बाई टू एंड ई टू एज टू टाइम्स ई वन। ओके, तो ये डन कर लिया हम लोगों ने, लेट अस डू सम कैंसलेशन, सो वंस कैंसलेशन आर डन वी गेट वन बाई फोर एज अवर फाइनल वैल्यू, तो दैट मीन्स एल वन बाई एल टू इज कमिंग आउट टू बी वन बाई फोर, सो एल टू विल बी फोर टाइम्स एल वन या फिर फोर टाइम्स एल, सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ रोटेटिंग टेबल विथ हिज हैंड स्ट्रेच आउटवर्ड्स,
द टेबल इज रोटेटिंग एट द रेट ऑफ 30 रिवोल्यूशन पर मिनट. इफ अ मैन ब्रिंग्स हिज हैंड टूवर्ड्स हिज चेस्ट एंड देयर बाय रिड्यूसेस हिज मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू 3/5 टाइम्स ओरिजिनल मोमेंट. तो करेक्ट. तो आई टू जो बोला है वो आई टू क्या बोल रहा है, 3/5 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू. तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझनी है. वंस यू अंडरस्टैंड दिस रेस्ट ऑफ द सम इज गोना बिकम ईजी. फिर क्या बोला है कि इनिशियल रोटेशन दिया है N1 दैट इज 30 RPM. दे वॉन्ट अस टू फाइंड आउट N2. ओके एंड हाउ कैन यू डू इट. सो वी आर गोना यूज L1 इक्वल्स टू L2 एज लॉन्ग एज देर इज रोटेशन, एज लॉन्ग एज देर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क इन्वॉल्व. टॉर्क का मेंशन ही नहीं है. आप डायरेक्टली आग बंद करके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करो. सो दिस विल बी I1 ω1 इक्वल्स टू I2 ω2. अभी देखो ω1 कैन बी रिटर्न एज 2π N1/60 एंड दिस वन विल बी I2. I2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3/5 I1. सो 3/5 I1 इंटू 2π N2/60. सो वी कैन कैंसिल आउट कॉमन टर्म 60 2π 2π 60 I1 एक्सेट्रा कट. नाउ वी हैव N1 इक्वल्स टू 3/5 टाइम्स N2. करेक्ट. सो N2 ओवर हियर इज वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट. तो मैं वो 3/5 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता हूँ. सो आई गेट 5/3 N1 इक्वल्स टू N2. सो दिस विल बिकम 5/3. N1 का वैल्यू इज 30 इक्वल्स टू N2 एंड इट्स देन ईजी कैलकुलेशन. सो वी गेट 50 एज फाइनल आंसर. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सम. दैट इज टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो I1 and 2I रिस्पेक्टिवली अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन. इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल देन द रेशियो, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2. वो चाहते हैं कि नया एंगुलर मोमेंटम और रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब L1/L2 कितना होगा. सी गाइज, I1 आपको I दिया है एंड I2 दिया है 2 times I. हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू कैन सिंपली यूज द लॉजिक ऑफ फॉर्मूला बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम. सो यू सी गाइज, काइनेटिक एनर्जी इज ½ I ω2. करेक्ट. सो वॉट आई एम गोना डू, आई एम गोना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय I. तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरे न्यूमरेटर में I into I दैट इज I² हो जाएगा. डिनोमिनेटर में आई विल हैव I. नाउ दिस I² ω² विल बी I ω का होल स्क्वायर, मतलब L² एंड दिस इज हाउ यू गेट अ कॉमन फॉर्मूला K = L² / 2I. अभी मुझे L के टर्म्स में चीज़ें चाहिए तो मैं L² को एक साइड रखूंगा तो दिस विल बिकम 2KI. नाउ यू कैन टेक स्क्वायर रूट ऑफ इट एंड यू विल गेट L = √2KI. नाउ सी केयरफुली ओवर हियर गाइज, वॉट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक कॉन्स्टेंट टर्म को प्रपोर्शनल. तो 2K कॉन्स्टेंट है एंड यू कैन कंक्लूड दैट L इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू I. देयरफॉर L1/L2 विल बी √I1/I2. I1 is I एंड I2 is 2I. इट इज कैंसल्ड सो इट विल बी 1/√2. सो D इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 197. अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kgm एंड एज यू कैन सी इट वॉज आस्क इन CET 2017. ओके गाइज, सो अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kgm² इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एट द स्पीड ऑफ 60 rad/s. ओके, ड्यू टू फ्रिक्शन इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट. तो 5 मिनट के बाद वो रुकने वाला है. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 3 मिनट्स बिफोर इट स्टॉप्स. तो समझो टोटल स्टॉप कितने मिनट्स में हो रहा है, 5 मिनट्स में. आपको 3 मिनट पहले निकालना है. तो ऐसे इमेजिन करो ना, आप 10 बजे स्टार्ट कर रहे हो जर्नी को, आपका 10:05 पे जर्नी ख़त्म हो रहा है. बट वॉट दे वॉन्ट कि आप 3 मिनट पहले निकालो. दैट मीन्स 3 मिनट पहले, मतलब 2 मिनट पास होने के बाद, है ना. सो दैट मीन्स दे वॉन्ट टू बी एट 10:02. तो आपको जो भी देखना है वो 2 मिनट के बाद देखना है. बाई दिस लॉजिक द टाइम दैट यू आर गोना फोकस ऑन इज 2 मिनट्स. देन इनर्शिया डायरेक्ट दिया आपको 2 kgm², देन प्लेन का स्पीड दिया है 60 rad/s ω. बट आई थिंक दैट इज इनिशियल ओमेगा ना, क्योंकि आफ्टर 2 मिनट वो स्लो होने वाला है. तो आपको नया वाला एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है.
तो नया वाला एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको पहले ओमेगा मालूम होना चाहिए. हाउ टू सॉल्व इट? सो वी कैन ईजिली सॉल्व इट बाई यूजिंग लिटिल बिट ऑफ अ कंसेप्ट ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन. सो वंस यू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज काइनेमेटिकल इक्वेशन, रेस्ट ऑफ द सॉल्विंग बिकम्स वेरी वेरी ईजी. सो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम लोग अल्फा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. हाउ कैन वी डू दैट? नहीं तो डायरेक्टली अल्फा तो इट्स नॉट गिवन ना, बट वी कैन ईजिली फाइंड आउट. कैसे? क्योंकि आपको पूरा जर्नी पता है ना. देखो, जब मैं टाइम को 5 मिनट्स लेता हूँ तो मेरा ओमेगा का जो स्पीड था इनिशियल ओमेगा नॉट, वो ओमेगा हो जाता है विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. मतलब वो 60 से ज़ीरो होने लगता है. सो अल्फ़ा इज़ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज़ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, या फिर लेट्स सॉल्व इट इन रिस्पेक्टिव यूनिट्स ओनली, टर्म्स ओनली. फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो फाइनल 0 है, माइनस ओमेगा नॉट 60 है, अपॉन टाइम कितना है 5. सो दैट विल बी 60 अपॉन 5, दैट इज इक्विवेलेंट टू 30. ये हो गया 30. नाउ नो सॉरी 60 अपॉन 5 विल बी इक्विवेलेंट टू 5 मिनट्स है ना ये. सो मिनट्स को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना मेरे को. यस करेक्ट. सो आई नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड एसआई यूनिट में, तो 5 × 60 करना पड़ेगा. देन इफ आई सॉल्व इट आई विल गेट -1/5 एज माय एंगुलर एक्सेलरेशन. नाउ आई कैन यूज, जब टाइम 2 मिनट होगा तब क्या होगा? तो जब टाइम 2 मिनट होगा तो ओमेगा नॉट चेंज होगा एक नए स्पीड में ओमेगा के, दैट आई डोंट नो, वो निकालना है. सो ओमेगा विल बी नाउ ओमेगा नॉट प्लस v इक्वल्स टू यू प्लस एटी वाला फार्मूला, वही फार्मूला यूज कर रहा हूँ. तो ओमेगा नॉट कितना है 60, अल्फा के जगह -1/5, एंड टाइम के जगह यू कुड राइट 2 × 60, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने. सो वंस यू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग फर्दर यू विल गेट 20, 24, 26, 24, 60, 24, 60 माइनस, ओके सो यू विल गेट 36 एज फाइनल आंसर. तो ये हो गया ओमेगा. नाउ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट एल विच इज आई ओमेगा. I is already given, omega is now 36, so the correct answer is 72 kg meter square. That's it for this particular sum and this particular, अरे है अभी question, मेरे को लगा खत्म हो गया, but we will solve this question also in this video. So a diatomic molecule, now this question was asked in IIT 2010, okay? So now in this particular question, they have given moment of inertia as I. By applying Bohr's quantization condition, you haven't heard about this concept yet. It is gonna come in the topic of atoms, molecules and nuclei. Bohr करके एक scientist था, उसने एक angular momentum का formula दिया था. That formula is given by nh upon 2 pi. So according to Bohr, angular momentum is given as nh upon 2 pi. So he wants us to calculate rotational energy at the nth level. क्या निकालना है आपको? Rotational energy at which level? At nth level. And how can we find it out? So for that particular purpose, we can use kinetic energy equals to half I omega square. Now, as you already know, but can we use it like that? No. Let us think about it more. There has to be some another way to solve it. That is easy way. So indirectly, मुझे rotational energy निकालना है, मतलब kinetic energy निकालना है. ओके, कैन आई डू इट लाइक दिस देन? एल आई ओमेगा होता है, तो ओमेगा हो जाएगा एल बाय आई. ओके, हम लोग बोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन अ स्टेबल ऑर्बिट इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑबेइंग दिस कंडीशन वेर एन इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एच होता है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. जब एटम्स मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तो इन डेप्थ पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को. ओमेगा के जगह एल बाय आई पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इज गोना बिकम हाफ इंटू आई इंटू एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर. हाँ, तो मतलब इनडायरेक्टली वही आपको मिलने वाला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दैट इज एल स्क्वायर अपॉन 2i. नाउ सिंस यू गॉट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड यू ऑल्सो नो दैट एल इज एन एच अपॉन 2 pi, वाई डोंट वी पुट काइनेटिक एनर्जी के जगह एन एच अपॉन 2 pi? सो इफ आई डू एन एच अपॉन 2 pi का स्क्वायर अपॉन 2i आ जाएगा, दिस विल बिकम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर अपॉन 2i. So now we can take 4 pi square at the bottom. So we will get n square h square upon 4 2s are 8
pi square I as final answer. So option D is the required answer. That's it for this particular video. I hope you have enjoyed it. We will meet in the last part of this topic in the next video. Bye bye. Take care.